अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी है उस बेकसूर शख्स की जो बिना किसी जुर्म के बेमौत मारा गया। आसिफ को आज बहुत देर हो गई थी ऑफिस से वापसी पर और मौसम भी खराब था। बाहर तेज तूफानी बारिशें हो रही थी, बहुत जोरों की बिजली कड़क रही थी, हाथ को हाथ तो जाई ना देती थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। आसिफ तेजी से गाड़ी चला रहा था ताकि जल्द अज जल्द घर पहुंच सके, लेकिन गाड़ी चलाना मजीद दुश्वार हो गया। उसने सोचा कि वो रोड के इस किनारे कहीं रुक कर इंतजार करे, जैसी ही बारिश थमेगी वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और जोर पकड़ रही थी। उसे समझ ना आया, दूर उसे एक घर नजर आया जो एक खंडर नुमा था। वो गाड़ी से उतरा और उसने वहाँ जाने की सोची। वो जल्दी जल्दी उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि हवेली बहुत पुरानी और कदीम ज़माने की है और उसमें रखा सामान बहुत कीमती। सामान देख के अंदाज़ा होता था कि हवेली बहुत कदीम ज़माने की है। लगता था जैसे बरसों से यहाँ कोई आया ही नहीं। जा बजा मकड़ी के जाले और मट्टी धूल से अटा हुआ था। उसे तजस्सुस हुआ कि इतनी खूबसूरत हवेली और यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। चलता हुआ वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा देखकर वो हैरान रह गया। कमरा इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वो उस हवेली का हिस्सा है। गालिबन ये शायद किसी औरत का कमरा था, क्योंकि कमरे की ज़ेबाइश और आराइश इस तरह की थी कि लग रहा था कि कोई औरत यहाँ रहती है। अभी वो कमरे का जायज़ा ले ही रहा था कि पीछे से किसी की पायल के चलने की आवाज़ आती है। वो घबरा कर पीछे मुड़ कर देखता है तो एक इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत लड़की सामने खड़ी होती है। उसके बाल उसकी कमर से नीचे तक होते हैं और उसकी बड़ी बड़ी आँखों में खूबसूरत काजल भरा होता है। वो इतनी हसीन होती है कि आसिफ उसे देख कर ही रहता है, वो उसकी सहर में खो जाता है। फिर अचानक वो लड़की ही आसिफ से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। आसिफ उसे बताता है कि वो यहाँ पनाह लेने आया है बाहर तूफ़ानी बारिश से। वो लड़की मुस्कुरा कर खिड़की की तरफ देखने लगती है। इतनी खूबसूरत होती है कि आसिफ को उसके यहाँ रहने पर अजीब सा तासुर होता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस खौफनाक हवेली में अकेली तनहा रहती हो। वो लड़की मुस्कुरा कर उसे देखती है और कहती है, नहीं, और भी लोग आते हैं। कहता है, कौन से लोग? वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, तुम जैसे बेवकूफ़ जिनका खून पी कर ही मैं तक यहाँ मौजूद हूँ। और खौफनाक तरीके से हंसने लगती है। आसिफ का दिल उछल कर हलक में आ जाता है और वो दो कदम पीछे हटता है। यकदम लड़की की शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि आसिफ उसको देखकर पूरी तरह से डर जाता है और तेज़ी से वापस भागने लगता है। अभी वो हवेली के दरवाजे तक ही पहुंचा होता है कि दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद हो जाता है। वो चीखता चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। सुबह पुलिस अफसरान को एक सर कटी लाश उसी हवेली के बाहर से मिलती है। वो समझ जाते हैं कि ये उसी चुड़ैल की कारस्तानी है। कहानी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए।